विदिशा के पठारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला है। इसी क्रम में कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को स्थानीय बस स्टैंड पठारी पर महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर गांधी चौपाल के माध्यम से जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया, जिसमें 500 से अधिक नागरिकों ने आकर अपनी समस्याएं प्रतिनिधि मंडल को नोट कराई। खास बात यह रही कि न केवल पठारी के बल्कि आसपास के 20 से 25 ग्रामों के नागरिक उपस्थित हुए और अपनी समस्याएं प्रतिनिधि मंडल को नोट कराई। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुभाष बोहत ने इस अवसर पर कहा कि कमलनाथ के एक इशारे पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। पूर्व अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने आज ये कार्यक्रम रखने का हमें आदेशित किया है। मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जन समस्याओं के निराकरण की पहल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों समस्याएं आज युवाएं खड़ी हैं और किसी प्रकार से समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस कारण आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पठारी में जन समस्या निवारण शिविर लगाया है और हमें खुशी है कि यहाँ के आसपास के गांव के लोगों ने 500 से अधिक समस्याएं हमें नोट कराई हैं, जो हम शासन प्रशासन को सौंपेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा सभी लोग यहाँ आ जाएं, सभी संपूर्ण मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल लगाकर नागरिकों की जन समस्याओं को सुनने के लिए हमें निर्देशित किया है और हर गांव में भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमारे साथियों को पद यात्रा करने का भी निर्देश आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया है। मैं सुभाष बोहत, आप सबका चरण सेवक, 2018 का कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी, आप पठारी के सभी भाई बहनों के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। मेरे आदरणीय साथियों, ये गांधी चौपाल आज महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि गांव गांव से जो लोग समस्याओं से पीड़ित, दुखी, परेशान यहाँ आते हैं, सभी लोग आकर हमारे शिविर के कांग्रेस के पदाधिकारियों को अपनी समस्याएं नोट करा सकते हैं। हर माह के बुधवार को आपके इस गांव में, आपकी इस पठारी में कांग्रेस के ओर से गांधी चौपाल लगाकर नागरिकों की समस्याओं को सुना जाएगा। सम्माननीय साथियों, न केवल आपकी समस्याओं को सुना जाएगा बल्कि उनकी समस्या, आपकी समस्याओं को निराकरण करा के, चाहे वे कलेक्टर से कराना पड़े, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय से कराना पड़े, चाहे तहसीलदार से समस्या हो, चाहे जनपद की हो, हम सबसे आपकी समस्या के लिए खुद की तरफ से आवेदन बनाकर भेजेंगे और आपकी समस्याओं को निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। मेरे आदरणीय साथियों, आप सबसे मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि हम आपसे कोई पैसा, आपकी दरखास्त, आपके कुछ भी सहयोग हम हमारे इस शिविर में नहीं ले रहे हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हर गांव की अपनी समस्याएं हैं, हर एक व्यक्ति शासन की योजनाओं में पीड़ित है, कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हम सब एकत्रित होकर आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये सफलता हमें मिलेगी और हम सब यहाँ आपकी समस्याओं को निराकरण करा पाएंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी चौहान साहब से मेरा आग्रह है, गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।